अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरे किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी लच्छे पकौड़े की रेसिपी, और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। और अगर आप इन्हें एक मरतबा बनाएंगे तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये आलू और प्याज से बन के रेडी होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। कैसे बनाना है, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू। आपने इन्हें अच्छे तरीके से वॉश करके इनको पील ऑफ कर लेना है, यानी कि छील लेना है। ठीक है, ये देखिए मैंने एक आलू छील लिया। इसी तरह बाकी के भी आप छील लें। एक बाउल में आपने पानी लेना है और मोटे कद्दूकश की मदद से आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। बारीक वाला कद्दूकश आपने नहीं लेना, और इसे आपने डायरेक्ट पानी में ही कद्दूकश करना है, वरना आलू काले हो जाएंगे। ठीक है, और ये देखिए मैंने इसको इसके अंदर मैं कद्दूकश कर रही हूँ। इसी तरह आपने सारे आलू कद्दूकश कर लेने, और इसको आपने 2-3 पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो निकल जाए। हमें स्टार्च नहीं चाहिए। लिए हैं छोटे साइज़ के 4 से 5 प्याज। अगर आपके पास बड़े प्याज हैं तो आप 2 ले लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास छोटे हैं तो मैंने 5 से 6 लिए हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से वॉश करके छील लेना है, और इन्हें स्लाइसिस में आपने कट कर लेना है। ठीक है, देखिए ऐसे आपने इन्हें कट कर लेना है, इन्हें आपने चॉप नहीं करना। ठीक है, और ये देखिए मैंने प्याज चॉप कर लिए हैं। अब जिस बाउल में आपने मिक्सर बनाना है उसमें इसे ट्रांसफ़र कर दें। यहाँ पर मैंने प्याज को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। और ये जो हमने कद्दूकश किए हुए पोटैटो थे, इनको आप अच्छी तरीके से नचोड़ कर एक्स्ट्रा स्टार्च और पानी निकाल कर इसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इसमें कम से कम पानी, यहाँ पर मैंने लिया है 1 से 1.5 टेबल स्पून गुल धनिया। अगर आपने क्रश किया हुआ डालना है तो वो डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिया तकरीबन आधा टेबल स्पून जीरा, आधा टेबल स्पून नमक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल भी सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून मेथी, और 2 से 1 चुटकी मैंने लिया है मीठा सोडा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन। अगर आपको बेसन कम लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपके आलू में पानी होगा तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लें। ठीक है, ये वाले जो पकौड़े हैं यह आपने फ़ौरन बैटर बनाकर फ़ौरन ही रेडी करने हैं। ठीक है, इसे आपने ज़्यादा देर नहीं रखना, वरना आलू बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगे। ठीक है, अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और आपने हाथ को ज़रा पंचिंग स्टाइल में इस मिक्सचर को रेडी करना है। ठीक है, पंच पंच देकर आपने इसको रेडी करना है। अगर आप 5-10 मिनट बाद बना रहे हैं तो आप इस पर इसके ऊपर थोड़ा सा बेसन छिड़क दें। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक पैन में पहले ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, और इसमें आपने एक एक करके पकौड़े डाल लेने हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने सारे पकौड़े इसके अंदर डाल लिए। अब आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है, फ्लेम आपने मीडियम रखना है। ठीक है, और बाद में आपने हाई कर देना है ताकि ये क्रंची आ जाए और अंदर से अच्छे तरीके से कुक भी हो जाए। ये देखिए हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची लच्छा पकौड़ा रेडी हैं, और हम इन्हें निकाल लेते हैं एक डिश में। ठीक है, और ये देखिए ये मैं इनको निकाल रही हूँ। आपने आहिस्ता आहिस्ता से सारे निकाल लेने हैं। ठीक है, और ये देखिए दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, यानी कि जो आलू के स्लाइसिस हैं ना वो देखिए दूर से ही कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने इन्हें यहाँ कर लिया डिश आउट, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं खाने में, और जल्दी से बन के रेडी हो जाते हैं, ज़्यादा देर भी नहीं लगती। और ये आप अफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। उम्मीद है आपको ये मज़ेदार सी पकौड़ों की, लच्छा पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और आखिर में आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।